वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने, छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने कि आकर चुग सके चिड़िया, वे घर के बाहर बनवाते थे खौदी कि आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड के झुंड आज उठते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे, राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद, बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचाकर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था।